हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में। दो तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वो होते हैं जिसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द सेम चांसेस, हैज़ द इक्वल चांसेस टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जितने भी पॉपुलेशन के यूनिट है उनके इक्वल चांसेस होते हैं किसी भी सैम्पल में इंक्लूड किए जाने के। इसमें रिसर्चर की कोई बायसनेस नहीं होती, रिसर्चर किसी भी यूनिट को इन या आउट, अपनी मर्जी से इन या आउट नहीं कर सकता। दूसरा मेथड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉट एन इक्वल चांसेस टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो इसमें क्या होता है, रिसर्चर की बायसनेस होती है, वो जिसको चाहे अपने सैम्पल में इंक्लूड कर सकता है, जिसको चाहे वो सैम्पल में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आ जाते हैं रैंडम सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड, क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। तो एक एक करके हम इन मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले जो मेथड आता है वो है रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड जो है सैम्पल कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर यूज़ करता है। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड रिसर्चर कब यूज़ करता है, उसकी कुछ अजम्पशंस है, इस सैम्पल को यूज़ करने के लिए कुछ अजम्पशंस है, वो अजम्पशन फुलफिल हो तो रिसर्चर जो है वो इस मेथड को यूज़ करता है। तो पहली अजम्पशन है सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल, इसका मतलब है कि अपनी पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि पॉपुलेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। फाइनाइट पॉपुलेशन होती है जिसमें कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होता है। इनफाइनाइट का रिसर्च में मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन अनमैनेजेबल होती है, जिसकी कोई भी लिस्ट नहीं होती या जिसको जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। जैसे तो पहला अजम्पशन है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट होनी चाहिए, आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा अजम्पशन है इस मेथड को यूज़ करने के लिए कि ऑल आइटम्स इन पॉपुलेशन आर अलाइक, जितनी भी पॉपुलेशन में आइटम्स है वो सब एक जैसी होनी चाहिए, किसी में किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जो जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, सब एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दो अजम्पशंस फुलफिल होती है तो रिसर्चर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करता है। अब इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या मेथड है। पहला है लॉटरी मेथड। रैंडम जो है एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कुछ भी, बट रिसर्च में रैंडम का मतलब होता है लॉटरी मेथड से। रैंडम को रिसर्च में लॉटरी आप कह सकते हो कि रैंडम का सिनोनियम रिसर्च में लॉटरी मेथड होता है। लॉटरी मेथड में क्या होता है, लॉटरी मेथड में रिसर्चर क्या करता है कि जितने भी पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं, जितने भी पॉपुलेशन की आइटम्स हैं, उन सब की लॉटरी बनाता है, उनकी स्लिप्स बनाता है, चिट्स बनाता है, और उसमें से जितना भी उसको सैंपल चाहिए वो उतनी लॉटरी जो है वो पिक कर लेता है। तो इसको कहते हैं लॉटरी मेथड। अब क्योंकि ये काफ़ी आप कह सकते हो कि एक डिफ़िकल्ट या टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले सब लॉटरीज बनाना और फिर उसमें से लॉटरी में उसमें से कुछ सीट्स जो है सिलेक्ट करके अपना सैम्पल फ्रेम करना, इसके बाद रैंडम नंबर टेबल्स अब मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं। रैंडम नंबर टेबल्स 2, 3, 4 डिजिट के रैंडम नंबर टेबल्स जो टेबल्स मार्केट में अवेलेबल है और रिसर्चर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। इसके अलावा रैंडम नंबर जनरेटर्स आ चुके हैं, एक्सेल में रैंडम नंबर जनरेटर्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहते हैं रिसर्चर के लिए सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या लिमिटेशन है इस मेथड की, कि ऑल आइटम्स आर नॉट सेम। तो जनरली यही होता है कि पॉपुलेशन की जो भी आइटम्स है वो सब सेम नहीं होती, किसी ना किसी कोई ना कोई वेरिएशन रहता ही है। इसलिए ये जो है रैंडम सैम्पलिंग, ये जो लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इस मेथड की, कि बहुत कम रेयर केसेस में होता है कि पॉपुलेशन है जो है उसकी सब आइटम्स सेम हो। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड तब यूज़ किया जाता है जब पॉपुलेशन की सब आइटम सेम हो और आपका सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो अवेलेबल हो। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग के अंडर आता है और इसको सबसे फास्टेस्ट मेथड माना गया है। अब रिसर्चर इस मेथड को कब यूज़ करता है, उसकी क्या अजम्पशंस है। तो पहली अजम्पशन ये है कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। दूसरा है ऑल आइटम इन पॉपुलेशन आर अलाइक,
दूसरी असम्पशन है कि जित पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स है सब एक जैसी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसको कैसे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले हम एन देखेंगे कि क्या है, एन क्या होता है, कैपिटल एन क्या है, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसको हम एन मान लेते हैं। जैसे सपोज आपकी पॉपुलेशन का साइज 1000 है, तो इसमें एन जो होगा वो 1000 हो गया। देन स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, जो भी आपको सैम्पल साइज चाहिए, सपोज आपको 1000 में से आपको 100 का सैम्पल साइज चाहिए, तो स्मॉल एन हो जाएगा आपका 100। देन आप उसके बाद के फाइंड करोगे, के क्या होता है, के इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, तो ये आपका के आ गया। उसके बाद आप कोई भी रैंडम नंबर सिलेक्ट करेंगे जो भी लिस्ट में 0 से 9 तक, और उसके बाद आप के उसमें के जो है वो ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से आपको एक आपका सैंपल मिल जाएगा। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये रोल नंबर दिए गए हैं किसी स्कूल में, क्लास 10th के ये रोल नंबर है, 1 से लेके 100 तक रोल नंबर गिवन है। रिसर्चर चाहता है कि रिसर्चर किसी स्कूल की 10th क्लास के स्टूडेंट्स पे रिसर्च कर रहा है, और उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, उसको 5 का सैंपल चाहिए, रिसर्चर को 5 का सैंपल चाहिए, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो n है वो 100 है, स्मॉल n 5 है, k आ गया 20, तो सबसे पहले वो 1 से लेके 9 तक जो रोल नंबर है उसमें से रैंडमली लॉटरी मेथड से कोई एक रोल नंबर सिलेक्ट कर लेगा। सपोज़ उसने रोल नंबर सिलेक्ट किया है 8, लॉटरी मेथड से रोल नंबर आ गया 8, तो ये जो 8 होगा, रोल नंबर 8 होगा, ये उसका पहला सैंपल हो जाएगा। उसको 5 सैंपल्स, 5 का साइज चाहिए, सैंपल साइज 5 होना चाहिए, तो पहला जो उसका यूनिट आ गया वो रोल नंबर 8 आ गया। देन उसके बाद 8 में वो 20 ऐड कर देगा, जो के आया है वो 20 ऐड कर देगा, तो वो आ गया 28, तो इसका मतलब रोल नंबर 28 जिसका है वो भी उसके सैंपल का पार्ट बन जाएगा। 28 में अगेन वो 20 ऐड करेगा, देन 48, रोल नंबर 48 वाला जो बच्चा होगा वो इसके सैंपल का पार्ट बन जाएगा। देन 48 में 20 ऐड किए, 68, रोल नंबर 68 को इंक्लूड कर दिया सैंपल में, देन 68 में ऐड कर दिए 20 और वो आ गया 88, तो इस तरह से ये 5 बच्चों का जो उसको सैंपल जो चाहिए था वो उसको मिल जाएगा। तो रोल नंबर 8, 28, 48, 68, 88 जिन स्टूडेंट्स का, जिन बच्चों का रोल नंबर है वो अब जो है उसके सैंपल का वो उसका एक सैंपल साइज हो जाएगा, और इन बच्चों से वो अपना जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिसर्चर को वो इसमें से उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो ये है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब आप सोचोगे कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड में डिफरेंस क्या है, दोनों के अजम्पशंस तो सेम है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जिन कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज काफ़ी बड़ा है तो उस केस में रिसर्चर्स जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्टेस्ट मेथड है, राइट? तो दोनों मेथड में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड जो है, जो अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा हो तो रिसर्चर जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड को ही यूज़ करेगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला तो है इट इज़ द फास्टेस्ट सैम्पलिंग मेथड अंडर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड सेकेंड इज इट इज़ एन ईजियर एंड लेस्ट कॉस्टलियर मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड कैन बी कन्वीनियंटली यूज इवन इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन के केसेस में रिसर्चर्स इस मेथड को प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। थर्ड जो मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है वो है स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग मेथड। स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटा का मतलब क्या होता है? स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप में जिसमें कि सब यूनिट्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। रिसर्चर कब स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज़ करता है? तो उसकी कुछ अजम्पशंस है। पहली अजम्पशन ये है कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए। और दूसरी अजम्पशन है देयर आर सम स्ट्राटा इन पॉपुलेशन, कि आपकी पॉपुलेशन में कुछ में स्ट्राटाज होने चाहिए। स्ट्राटा का मतलब है ग्रुपिंग होनी चाहिए। अगर ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो उस केस में आप स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास 10,000 हॉस्टलर्स हैं, उनका डेटा है। तो अब 10,000 हॉस्टलर्स का डेटा है तो उसमें बॉयज़ भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, तो ये एक ग्रुप है। ये दो स्टाटा बन गए ना, एक बॉयज़ का स्टाटा, एक गर्ल्स का स्टाटा, राइट? तो इस तरह से स्टाटाज होने चाहिए पॉपुलेशन में, ग्रुपिंग होनी चाहिए पॉपुलेशन में।
क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को स्टाटा में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन स्टाटा में से रिसर्चर जो है वो रेंडमली अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करता है. ठीक है, स्टाटा में एक बात नोट करने लायक है कि स्टाटा में जो फाइनल जो स्टाटा होता है जिसमें से रिसर्चर अपना सैंपल लेता है, वो स्टाटा के सभी यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए. अदरवाइज रिसर्चर तब तक स्टाटा बनाता जाएगा जब तक स्टाटा के सभी यूनिट्स जो हैं वो एक जैसे ना हो जाए. जब तक स्टाटा के सब जब स्टाटा हर एक स्टाटा के जो यूनिट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, और उन स्टाटा में से फाइनली रिसर्चर जो है वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, लॉटरी मेथड हो सकता है या रैंडम नंबर टेबल के थ्रू जो है वो अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट करता है. इसकी लिमिटेशन क्या है इस स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड की, इसमें है कि कम्बर्सम है. अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो उस केस में ये सैम्पलिंग मेथड जो है वो काफ़ी कम्बर्सम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको स्लिप्स बनानी पड़ेगी अपना सैम्पल सिलेक्ट करने के लिए, चिट्स बनानी पड़ेगी. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के कौन से मेथड होते हैं. तो पहला जो मेथड है वो प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है. इसमें ये देखिए कि ये तीन ग्रुप्स हैं, ये तीन स्टाटाज हैं, लार्ज कंपनीज, मीडियम कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज. टोटल कंपनीज कितनी है, 1000. रिसर्चर को 1000 कंपनीज में से सैम्पल चाहिए. तो उसमें कंपनी सब एक जैसी नहीं है, इसलिए सब कंपनीज के स्टाटस बन गए हैं. लार्ज कंपनी का स्टाटा बन गया है, मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज. अब रिसर्चर सैंपल कैसे सिलेक्ट करेगा इन स्टाटा में से. तो पहला मेथड जो है वो है प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड. इसमें क्या करता है किया जाता है कि जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, जो आप स्टाटाज का प्रोपोर्शन देख रहे हो ना 7:2:1, उसी प्रोपोर्शन में वो अपना सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लेगा. जैसे 1000 टोटल कंपनीज है और रिसर्चर को क्या चाहिए, उसको 100 कंपनीज का सैंपल चाहिए, तो वो उस प्रोपोर्शन में लेगा जिस प्रोपोर्शन में उसका पॉपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है. तो 7:2:1 की प्रोपोर्शन में वो अपना 100 का सैंपल सिलेक्ट कर लेगा. तो इस तरह से लार्ज कंपनीज में 70 का सैंपल आ गया, मीडियम कंपनी से 20 का सैंपल आ गया, और स्मॉल कंपनी से 100 का सैंपल आ गया, 10 का सैंपल आ गया. तो इस तरह से टोटल जो सैंपल उसके पास आ गया 100. दूसरा मेथड जो है वो है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग मेथड. तो इसमें भी आप देखिए इसमें कैसे किया जाता है. डिसप्रोपोर्शनेट में इसमें वही सेम, लार्ज कंपनीज 700 है, मीडियम 200 है, स्मॉल कंपनीज 100 है, टोटल कंपनीज 1000 है. बट आप इसमें देखिए कि रिसर्चर ने अपना सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, उसने सब में से इक्वल कंपनीज को ले लिया है. लार्ज कंपनी 34, मीडियम 33, स्मॉल कंपनी 33. तो इस तरह से 100 का उसने सैंपल ले लिया है. तो मतलब उसने सब को इक्वल, इरिस्पेक्टिव की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है हर स्टाटा में, उसने सब में से इक्वल नंबर ऑफ सैंपल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है. बट जनरली जो रिसर्चर्स यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं. अब मैंने पहले आपको कहा था कि इसकी लिमिटेशन है कि ये काफ़ी कंबर्सम है. तो आप उस कंटेक्स्ट में सोचिए कि जब आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो जब अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप खुद देखिए कि आप का अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कंपनीज ली है, तो आप देखिए कि 1000 कंपनीज है. तो इसका मतलब है अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, रैंडम नंबर टेबल्स नहीं है, रैंडम नंबर जनरेटर्स नहीं है, तो आप 1000 कंपनीज की पहले स्लिप्स बनाओगे, पहले उसकी चिट्स बनाओगे, और उसमें से प्रोपोर्शनेटली जो है वो लार्ज कंपनीज, मीडियम कंपनी, स्मॉल कंपनीज की चिट्स निकालोगे. तो काफ़ी कंबर्सम प्रोसेस माना, कंबर्सम प्रोसेस माना होता था, क्योंकि आजकल कंप्यूटर है तो इसलिए अब इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी रिसर्चर फेस नहीं करते. कंप्यूटर से वो सीधे ही अपना जो है सैंपल वो है आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं. तो ये था स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग मेथड. अगला जो मेथड है वो है मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड. मल्टी स्टेज सैंपलिंग मेथड, इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं कि रिसर्चर इस मेथड को कब यूज़ करता है. तो पहला इसका अजम्पशन है सैम्पलिंग फ्रेम इज़ अवेलेबल. तो सेम इसकी भी सेम अजम्पशन है कि पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए और सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए रिसर्चर के पास. देन देयर आर सम स्ट्राटाज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में स्ट्राटा होने चाहिए. एंड थर्ड आप देखिए कि ये है मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज में जो मल्टी स्टेज है वो टेक्निकली हायर वर्जन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड है.
जनरली जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ओनली डिफरेंस ये है कि मल्टी स्टेज जो है वो हायर वर्जन है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का. स्ट्रैटिफाइड में जैसे मैंने बताया कि स्टाटास बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, जैसे जेंडर के बेस पे वेरिएबल स्टाटास बन गए, या इसके अलावा इनकम के बेस पे बन गए, देन ऑक्यूपेशन हो गया, तो इस तरह से स्टाटास बनते हैं. जब ये वेरिएबल्स जब 4, 5, 6 वेरिएबल्स बढ़ते जाते हैं किसी भी रिसर्च में, तो उस समय इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड कह दिया जाता है. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड में. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड जो है दैट इज़ ए हायर वर्जन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड. तो इसमें भी सेम वही होता है कि पॉपुलेशन को स्टाटास में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर फाइनली जो स्टाटास बनते हैं उसमें से रिसर्चर रैंडमली रैंडम मेथड के थ्रू, लॉटरी मेथड के थ्रू, या फिर रैंडम नंबर टेबल के थ्रू या जनरेटर के थ्रू अपना जो सैम्पल है वो सिलेक्ट कर लेता है. लिमिटेशन इसकी बताई गई है कंबर्सम है. कंबर्सम उसी केस में है अगर आपके पास कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है. अगर कंप्यूटर है तो आसानी से सैम्पलिंग सैम्पल जो है रिसर्चर वो फाइंड कर लेता है. अगला जो मेथड है वो है क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड. क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं पहले क्या अजम्पशन है. तो पहली अजम्पशन है कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल होना चाहिए और देर आर सम स्टाटा इन पॉपुलेशन, कि आपकी पॉपुलेशन में स्टाटा होने चाहिए. तो अजम्पशंस आप देख रहे हो कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड के जो अजम्पशंस है वो सेम है. तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड को बताने से पहले समझाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड के बारे में थोड़ा बताऊं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्लस्टर को समझने के लिए. ये देखिए, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड हमने लिया था, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. एक बात और है कि आप अब इसको उस कंटेक्स्ट में समझिए कि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, रिसर्चर के पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है. तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमने कहा कि लार्ज कंपनी, मीडियम कंपनी, स्मॉल कंपनीज है, टोटल 1000 कंपनीज है. आप हाथ से स्लिप्स बना रहे हैं लॉटरी बन, और उसमें से जो आपको सैम्पल चाहिए वो आप लॉटरी मेथड के थ्रू उसको निकाल रहे हैं. स्ट्रैटिफाइड जो क्लस्टर जो सैम्पलिंग है वो थोड़ा इसका ईजियर वर्जन है. कैसे ईजियर वर्जन है कि आप क्लस्टर्स बना रहे हो, जैसे लार्ज मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज है, इसके क्लस्टर्स आपने बना दिए. लार्ज मीडियम एंड स्मॉल कंपनीज है, इसके आपने 10 क्लस्टर बना दिए. हर एक क्लस्टर में, जैसे ये ए से लेके जे तक क्लस्टर बनाया है, एक क्लस्टर में आप देखिए इसमें लार्ज कंपनी का भी थोड़ा प्रपोर्शन है, मीडियम कंपनीज का भी प्रपोर्शन है और स्मॉल कंपनीज का भी प्रपोर्शन है. तो 70-20-10, ठीक है, टोटल आ गया 100 का सैम्पल. इसी तरह बी जो क्लस्टर है इसमें भी लार्ज मीडियम स्मॉल 100, टोटल आ गया 100. तो इस तरह से ए से लेके जे तक आपने 10 क्लस्टर बना दिए, उसका प्रोपोर्शन आपने सेम रखा 70-20-10. स्ट्रैटिफाइड में भी हमारा सेम प्रोपोर्शन था ना 70-20-10 का. इसी तरह क्लस्टर आपने बना दिए, 10 क्लस्टर बना दिए. अब रिसर्चर क्या करता है क्लस्टर सैम्पलिंग में, कि किन्हीं किसी एक अगर उस किसी वो एक क्लस्टर को पिक कर लेगा. जैसे सपोज मेरे पास क्लस्टर डी आ गया, तो क्लस्टर डी जो होगा उसका प्रपोर्शन देखिए 70-20-10 है, 100 का सैंपल है, 100 का सैंपल ही चाहिए रिसर्चर को. तो वो क्लस्टर डी उठाएगा और क्लस्टर डी जो है वो अब उसका सैंपल बन जाएगा और उसका पार्ट ऑफ स्टडी हो जाएगा. तो इस तरह से क्लस्टर में आप देखोगे क्लस्टर सैंपलिंग में कि रिसर्चर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको बस 10 क्लस्टर्स बनाने हैं और हर क्लस्टर में जितने भी ग्रुप्स हैं सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो एक क्लस्टर पिक करेगा और वो क्लस्टर जो है उसका पार्ट बन जाएगा सैम्पल का. क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जो डिफरेंस है वो इस टेबल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगा. जैसे क्लस्टर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में बिटवीन सैम्पल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सैम्पल के. जैसे स्ट्रैटिफाइड में आप देखोगे कि बिटवीन सैम्पल्स 70-20, जैसे पिछली एग्जांपल थी इसमें लार्ज मीडियम एंड स्मॉल कंपनी है, तो बिटवीन सैम्पल सब डिफरेंट है. बट क्लस्टर सैम्पलिंग में बिटवीन सैम्पल्स आप देखते हो तो सबका प्रपोर्शन एक जैसा ही है. जैसे ए सैम्पल है तो उसमें 70-20-10 का रेशो है, बी सैम्पल है 70-20-10 का रेशो है. तो बिटवीन सैम्पल क्लस्टर सैम्पलिंग में सब एक जैसे होते हैं. विद इन सैम्पल बात की जाए तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में सब सेम होता है. जैसे लार्ज कंपनी है में 700 कंपनीज हमने
देखी है तो वो सब 700 कंपनी एक जैसी है। या मीडियम कंपनीज की जब बात की है तो उसमें जो जितनी भी 200 मीडियम कंपनीज है सब एक जैसी है। स्मॉल कंपनीज है 100, सब कंपनीज जो है वो एक जैसी है। तो विद इन सैंपल सब जो है वो एक जैसे हैं, बट क्लस्टर में विद इन सैंपल जो है वो डिफरेंट है। विद इन सैंपल जो है वो सब डिफरेंट है। विद इन सैंपल आप देखोगे क्लस्टर ए में 7 जो लार्ज कंपनी का भी प्रपोर्शन है, मीडियम कंपनी का भी प्रपोर्शन है, एंड जो स्मॉल कंपनीज है उनका भी प्रपोर्शन है। तो ये जो टेबल है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है, ये टेबल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड को आप उस कंटेक्स्ट में समझिएगा कि जब आपके पास कंप्यूटर्स नहीं है, तो जब आपके पास जब रिसर्चर्स के पास कंप्यूटर नहीं होता तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड जो है वो कन्वीनियंट ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बट क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर्स के थ्रू ही सब सैम्पलिंग होती है तो जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है सब जगह ज़्यादातर रिसर्चर्स जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। कई बार क्लस्टर सैम्पलिंग को ज्योग्राफिकल सैम्पलिंग के साथ भी कंफ्यूज़ किया जाता है। एक्चुअली होती वो ज्योग्राफिकल सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग होती है, बट हम उसको क्लस्टर सैम्पलिंग मान लेते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे देना चाहूँगी, जैसे आप उत्तराखंड की इकोनॉमी को स्टडी करना चाहते हैं, उत्तराखंड की में कितने, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर बना देते हैं। आपने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर बना दिया, आपने देहरादून डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर बन गया, उत्तरकाशी का बन गया, श्रीनगर का बन गया, इस तरह से 13 क्लस्टर बन गए। आपने कहीं दो क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, सपोज़ आपके पास उत्तरकाशी और श्रीनगर का क्लस्टर आ जाता है, तो क्या श्रीनगर और उत्तरकाशी की इकोनॉमी के बेसिस पे आप पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही आएगा? अगर उत्तरकाशी या श्रीनगर की जगह आपके पास देहरादून डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का क्लस्टर आ जाता, आप उसकी इकोनॉमी को स्टडी करते, तो आपको नहीं लगता कि रिजल्ट जो होता वो ऑपोजिट होता? तो क्या देहरादून और नैनीताल जो है पूरी उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते? तो इस तरह से कुछ लोग क्लस्टर सैम्पलिंग एंड ज्योग्राफिकल सैम्पलिंग को एक मानते हैं, बट हम उसको क्लस्टर से हम उसको ज्योग्राफिकल सैम्पलिंग कहेंगे या एरिया सैम्पलिंग कहेंगे, उसको क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं माना जाएगा। क्लस्टर सैम्पलिंग तब माना जाता है जब उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता। मतलब आपने 13 आपने सपोज क्लस्टर बना दिए, उसमें देहरादून डिस्ट्रिक्ट का भी रिप्रेजेंटेशन है, उत्तरकाशी का भी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का भी है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबका, हर एक क्लस्टर में सब डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन है, सब डिस्ट्रिक्ट का प्रोपोर्शन है, और आपने कोई एक क्लस्टर उठाया उस क्लस्टर के बेसिस पे आपने, तब वो क्लस्टर माना जाएगा कि वो पूरे आपके उत्तराखंड की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो क्लस्टर सैम्पलिंग जो है उसमें हर पॉपुलेशन की जितनी भी आइटम्स है उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो पहले ज़्यादा यूज़ किया जाता था, कन्वीनियंट माना जाता था, बट ज़्यादातर अब लोग जो है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड ही यूज़ करते हैं। तो ये है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की कुछ टेक्निक जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। सो लर्नर, दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप दिस सेशन विल बी यूजफुल फॉर यू। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, bye and happy learning.